भाई लोग स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और भाई लोग सबसे पहले तो आप सभी को दिल से सॉरी यार, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हूँ यार इस समय। भाई लोग अभी देखो मेन चैनल पर ना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। और भाई लोग देखो अभी बात करते हैं यार अभी आज के ब्लॉग में क्या होने वाला। तो भाई लोग अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में पानी की सिंचाई करने के लिए। पीछे देखो इधर हमारा साइकिल है और ये देखो पाइप वगैरह है। और भाई लोग ये देखो ये हमारे बड़े पापा का कुत्ता है ना, जो कि भाई लोग यार जा नहीं रहा यार घर। और भाई लोग पता है मुझे कहाँ जाना है पानी चलाने के लिए, लगभग 3 किलोमीटर दूर मुझे जाना है पानी चलाने के लिए। और भाई लोग ये अगर जाएगा मेरे साथ ना तो यार रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे ना, तो इसको काट वगैरह लेंगे, मतलब ना दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। लेकिन ये जा नहीं रहा घर वापस यार, मैं सबसे पहले ना इसको ना वापस कर देता हूँ भाई, नहीं तो रास्ते में दिक्कत हो जाएगा। वैसे मेरे लिए तो सेफ्टी का तो ध्यान रखेगा ही, लेकिन इसकी भी तो सेफ्टी जरूरी है ना यार, तो मैं नहीं चाहता हूँ यार मेरे लिए इसको भी कोई दिक्कत हो। तो अभी ये देखो जा रहा है और मैं काफ़ी टाइम से मतलब ना परेशान था ना कि ये घर चला जाए, ताकि यार इसको ना कुत्ते वगैरह ना काटे, क्योंकि भाई लोग ना रास्ते में ना बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं ना, तो कुत्ते जहाँ इसके ऊपर फोकस करते हैं मतलब ना इसको काटने लगेंगे यार, ये दिक्कत की सीन है। तो भाई लोग अभी जो हमारे बड़े पापा का कुत्ता था वो घर चला गया है, अभी कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है, मैं आसानी से जा सकता हूँ। वैसे वैसा बहुत ज़्यादा है यार कोहरा, बहुत ज़्यादा यार, मतलब ठंडी ठंडी है। और इससे मतलब समय में पानी चलाना, खेत में पानी की सिंचाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की सीन होती है भाई, हाथ वगैरह सब काम नहीं करते यार, मतलब भाई पूछे ही मत यार, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अभी मैंने चलता हूँ यार खेत में यार, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। भाई लोग अभी मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं और ये देखो यार हमारा साइकिल, और पीछे ये जो देख रहे हो ना यही खेत है भाई। अभी मैं आप सभी को ना यहां का सीन दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं यार, इतना भयानक कोहरा है ना भाई, क्या ही बोले यार। और भाई लोग पता है यार ये खेत हमारा खुद का नहीं है, ये किसी और का है ना, हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, मतलब लगभग 1500 रुपए तो ही हम फसल इसमें उगा सकते हैं। और भाई लोग पता है यार ये जो खेत है ना एकदम नदी के किनारे है, मतलब ये बगल में ना वहाँ पर एक नदी है, मतलब दिख नहीं रहा अभी, मतलब इतना कोहरा यार कहाँ से दिखेगा यार। और भाई लोग पता है यार अभी मैं जहाँ पर हूँ ना पूरा का पूरा एकदम सुनसान इलाका है यार, मतलब यहाँ आसपास कोई भटकेगा भी नहीं यार, मतलब इतना बुरा जगह है यार। इस कोहरे में तो भाई कोई आना भी नहीं चाहेगा यार, मतलब यार अब देखो यार आना तो मजबूरी है यार, खेत में पानी चलाना, खेत की सिंचाई करना वगैरह वगैरह ये सब काम रहते हैं ना, तो आना ही पड़ता है यार। भाई लोग अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी कोहरा ना एकदम काफ़ी हद तक कम हो गया है, मतलब देखो चारों तरफ कोहरा दिख ही नहीं रहा यार। और अभी देखो सूरज भी एकदम साफ साफ दिखने लगे हैं। और भाई लोग देखो ये रहा हमारा खेत, कोहरे में मतलब कोहरे में नहीं दिख रहा था, अभी देखो क्लियर दिख रहा है। यही वो खेत है जहाँ पर मैं पानी की सिंचाई करनी थी, मगर अभी तो नहीं हो पाएगा, जिनका इंजन है वो तो यार कहीं काम से चले गए हैं, तो अभी यार नहीं हो पाएगा, कह रहे हैं कल चलाने के लिए, अब देखते हैं कल क्या होने वाला है अभी। और भाई लोग अभी तो पानी चलेगा नहीं यार, तो चलो घर चलते हैं यार, इधर रहा अपन का BMW। तो भाई लोग अभी देखो मैं अपने खेत से आ चुका हूँ और इधर देखो विजय है, हेलो गाइस, और ये मोहित है, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया है भाई। और भाई लोग अभी देखो हम जो करने वाले हैं ना वो मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जो भाई लोग ये देखो हमारा जो ये डंबल्स है ना, ये हमें एक चीज़ और ऐड करना है अपने एक्सरसाइज के लिए, इधर से हो जाते हैं थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, हमें एक ज़रूरत है बेंच की, मतलब जो बेंच होता है ना वो बेंच प्रेस डंबल से, जो बारबल से या फिर डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लो रुको मैं आपसे भी दिखा रहा हूँ, हमारे पास देखो ये एक इक्विपमेंट है, मतलब ये पटरा है, तो इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, पाव हम लोग बोलते हैं, या फिर इसको जो स्टेबल रखने के लिए जो भी मतलब इक्विपमेंट जो लकड़ी लगता है ना उसकी ज़रूरत है। और उसके लिए हमें जाना है थोड़ा सा यहीं कहीं नदी में, वो पड़ा होगा यहीं कहीं आसपास, मैं उठा लूँगा। वैसे अगर दुकान पर जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगने की चांसेस है, तो वो सब नहीं करने वाले भाई लोग, फ्री का ही सब कुछ करने वाले हैं। तो अभी चलना है उसको लाने के लिए, जो नीचे लगता है ना उसे लाने के लिए, ताकि मैं अपने एक्सरसाइजेस को मतलब सही से कर सकूँ, हम लोग एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर सकें, तो चलो चलते हैं भाई लोग। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल पड़े हैं, इधर देखो हम लोग खेत से जा रहे हैं और हम लोग पैदल ही आए हैं, क्योंकि इधर का रास्ता थोड़ा सा मतलब बहुत पतला है, ऐसा कह लो कि मतलब ये मेड़ है, ये देखो इधर विजय भी जा रहा है और ये मेड़ है, इस पर थोड़ा सा साइकिल चलाने में दिक्कत होता है, इधर देखो मोहित भी है। अभी चलते हैं थोड़ा सा दूर, हमें जाना ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो चलो सीधे चलते हैं वहाँ पर। तो भाई लोग अभी हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें बेंच के लिए लकड़ियाँ मिल सकती है, नीचे तो ढेर सारी लकड़ियाँ दिख रही है ना, तो इनमें से हमें निकालना है। विजय जाओ भाई, क्या यार बार बार मैं तेरा काम करूँ क्या? क्या बोला? अरे नहीं भाई मजाक कर रहा था, तू जा रहा है चले, तू भी चल, बात नहीं मानता
तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखो हाथ में ये जो है ना ये, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ सकती है और नीचे देखो ढेर सारी लकड़ियां है, ये जो माता जी का विसर्जन होता है ना वो जो नीचे लकड़ियां पड़ जाती है, हम लोग सोचा वही ले आएंगे यार, दुकान पर जाएंगे बहुत पैसा लगेगा यार, तो समझ सकते हैं यार आप लोग। तो अभी ना हम लोग वहां से ना निकाल लाते हैं वो, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को क्या जरूरत है उनको। तो अभी देखो हमने इतना लकड़ियां निकाल लिया, ये देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं घर पर क्योंकि अभी इसको मतलब लगाना है, उसमें फिट भी करना है यार, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलो अभी चलते हैं घर। हाँ, चलो चलते चलो हैं। चलते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और जितनी भी जरूरतमंद की लकड़ियां वगैरह जो कुछ भी होता है काटने वगैरह वाला सामान सब कुछ हमने देखो यहाँ पर रख दिया है। अभी बारी है इसको कट करने की, मतलब जितना जितना जरूरत है ना, जितना जितना लंबाई की जरूरत है ना, सब कुछ कट कर देते हैं। भाई लोग अभी देखो हमने लकड़ियां वगैरह सब कुछ काट दिया है, जितना जरूरत था काटने का उतना काट दिया, जितना लंबाई वगैरह मतलब जितनी लकड़ियां काटनी थी सब कुछ हमने काट दिया। तो भाई लोग अभी देखो रात हो चुका है और जो हम बेंच बना रहे थे ना वो एक्सरसाइज के लिए ना, उसे बनाना भी बंद कर दिया है क्योंकि भाई लोग देखो किला ठोक ठोक के उसको बनाना यार, तो यार रात में किला ना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने बंद कर दिया, कल सुबह हम उसको बनाएंगे। और भाई लोग देखो गांव में ना खाने का इनविटेशन आया ना, तो मैं और विजय और मोहित तीनों लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो भाई लोग अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और विजय भी अपने घर पर चला गया है, मोहित भी अपने घर पर चला गया है और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज भाई लोग इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और अगर भाई लोग चैनल पर रहे हो ना तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज भाई लोग।